Hey guys, good morning all. Welcome back to Sunil RB Vlogs. अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं तो मैं अभी उठ रहा हूँ. रात को मीटिंग बहुत देर तक थी. लॉग आउट टाइम 4 o'clock था. मीटिंग सुबह 6 बजे तक चल रहा था, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाया हूँ. तो अभी खुशी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है पता नहीं है. तो जैसे कि देख सकते हैं अभी उठा हूँ तो फ्रेशअप होना है. फ्रेशअप होके देखते हैं आज का क्या प्लान रहता है. पहले जाते हैं खुशी के घर. फ्रेशअप होने के बाद खुशी के घर जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं. खुशी के घर वाले सभी, खुशी, खुशी की मॉम, खुशी की डैड तो अभी फ़िलहाल गांव में रहते हैं. उनके दद्दू रहते हैं और उनका भाई रहते हैं. तो वो लोग 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर में ड्यूप्लेक्स घर है उनका, और हम लोग 3rd फ्लोर पर रहते हैं. देख सकते हैं मेरा सेटअप सभी कैसा है. पूरा गंदा गंदा रखे हैं. देखिए लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं. रात को सुबह ऐसे ही सो गया हूँ. कुछ भी ना, बेड कुछ भी नहीं क्लीन किया हूँ, ऐसे ही सो गया हूँ. तो आप तो देख ही रहे होंगे मेरा कंडीशन कैसा है अभी, जैसे कि एकदम भूत जैसे दिख रहा हूँ. अभी उठा हूँ तो फ्रेशअप होके फिर मिलता हूँ. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग. और एक्चुअली मेरे सुबह को मैं और मेरे भैया झगड़ा किए थे, बहुत मार धार हुआ. और मैं सुबह को जगाने भी आई थी 12 o'clock के आसपास, तो मुझे पता चला सोए थे 6 बजे. इसी के लिए मैं सोची डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जब उनको जागना रहेगा वो जाग जाएंगे. तो देखते अभी क्या कर रहे हैं. तो गाइस, जाने से पहले देख लें, बहुत अच्छा तुलसी पॉट है. नहीं मिल गए सिंह भैया. हॉल देखिए गाइस, बड़ा है, अच्छा खासा टीवी. सिंह भैया, तुम मेरा ब्लॉग कर रही हो, दिखा दो हॉल सभी. हॉल वगैरह कैसा है? एक्चुअली अभी मंदिर बंद है, फिर भी आप देख सकते हैं अंदर अच्छा खासा डेकोरेशन भी हुआ मंदिर का. प्लांट्स भी हैं, 2 टेडी बेयर, सुम भाई का जो था, सोफा भी है. और कोई बाहर से आएगा तो सैनिटाइजर लगाने के लिए. टीवी, और ये सुम भाई उनके भाई. और गाइस यहाँ से ऊपर भी जाता है एक फ्लोर, वो अनिल भैया का है. फ्रिज, सुम्भे उनके भाई. फिर ये बड़ी मम्मी का कमरा, बड़ी मम्मी बड़े पापा यहाँ रहते हैं. फिर किचन, किचन की आज बड़ी मम्मी सफाई की है. फिर उसी के बाजू में सुम्भे का कमरा है. पाइनएप्पल काट रहे हैं. हेलो फ्रेंड्स, पाइनएप्पल काट रहा हूँ. पाइनएप्पल खा लो फ्रेंड्स. पाइनएप्पल चाहिए सभी को. किसको किसको पाइनएप्पल अच्छा लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा. मुझे तो पाइनएप्पल काटना बहुत अच्छा लगता है. और पाइनएप्पल ही नहीं, हर एक फ्रूट्स को मैं बहुत अच्छी तरह से काटता हूँ. और उसको काट के डिजाइन में काटना, फ्रूट कटिंग करना बहुत अच्छा लगता है. देखिए कितना डिज़ाइन, कितना बारीकी से काटे हैं. तो आज हमारा कुछ प्लान नहीं है कहीं जाने का. तो आज हम आप लोग को हमारा होम टूर नहीं, रूम टूर कर दिखा देते हैं. रूम टूर दिखाते हैं. देखिए तो ये मेरा कमरा, देखिए बहुत गंदा रखा हूँ. तो आप लोग को हम एक सीक्रेट बताना चाहते हैं. वो सीक्रेट लेकिन हम अभी छुपाएंगे, रोज आप लोग को याद दिलाएंगे सीक्रेट. लेकिन सीक्रेट कब रिवील होगा? 30th of this month. एंड. तो आपने खुशी तो सभी दिखाई है. तो हमारा एक ड्यूप्लेक्स घर है. तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, ये ड्यूप्लेक्स घर है. ये मेरे छोटे भाई अनिल का फ्लोर है. तो 3rd फ्लोर में मैं और मॉम डैड रहते हैं. और 4th फ्लोर पूरा अनिल भैया का.
नीचे जो किचन आप देखे हैं वो वेज का किचन है, प्योर वेज किचन है, और दिस इज नॉन वेज, ये प्योर नॉन वेज किचन है, फुल एंड क्लीन। सो हम लोग सिर्फ हफ्ते में एक बार नॉन वेज बनाते हैं, नॉन वेज तो सिर्फ मैं ही बनाता हूँ। और शेफ, ये रहा अनिल भाई का कमरा, अनिल भाई का रूम देखिए, बहुत साफ सुथरा रहता है, वेल मेंटेन रहता है। और देखिए वो भैया बहुत सारे सेंट इक्विपमेंट्स, उनको बहुत अच्छा कलेक्शंस बहुत अच्छा करते हैं, वॉच का कलेक्शंस रहता है, शू कलेक्शन। तो दिखाते हैं अनिल भैया का, देखिए वॉच कलेक्शंस, अनिल भैया का वॉच कलेक्शंस देखिए कैसा है, वॉच कलेक्शन बहुत अच्छा करते हैं, वॉच कलेक्शंस, मास्क कलेक्शंस। और अनिल भैया का बहुत सारा ये है, देखिए उनका कपड़ा तक देखिए, पूरा कबोर्ड भी भरा हुआ है कपड़े से, और हैंगर्स भी देख सकते हैं। और उनके भी रूम में भी टीवी है, तो हर किसी के रूम में टीवी है ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाजू अनिल भाई के रूम के बाजू में ही और एक कमरा है जो कि हम लोग गेस्ट के लिए रखे हैं, और इधर भी देख सकते हैं कपड़ा कपड़ा कपड़ा, जहाँ पर भी देखिए कपड़ा है। अभी शाम के 6:40 हो चुके हैं, ऑलरेडी मैं अपना काम का लॉगिन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं लॉगिन कर चुका हूँ और काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे हाँ सुनील भैया अकेले व्लॉग्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, खुशी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। पहले ही वो जिस दिन मेरा हम दोनों का फर्स्ट ब्लॉग था उस दिन उसने दो ऑनलाइन क्लास मिस किया था, और मिस करने के बाद शाम को आके मुझे शाम को 8:30 को बोल रही थी कि भैया मैंने ऑनलाइन क्लास मिस कर दिया है क्या करें। तो मैंने बोला ठीक है फाइन, कुछ टीचर्स अगर फ़ोन करें तो मेरा नाम बता देना, ऑब्वियसली सभी टीचर्स मुझे जानते हैं क्योंकि आप लोग भी जान गए होंगे कि उसी स्कूल में मैं भी 8, 9, 10th को भी पढ़ाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा खुशी को। तो आज भी वो बोल रही थी भैया आ जाऊँगी जल्दी से, तो मैं बोला आना लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म करके आना। तो देखिए मैं ऐसे ही बैठ के काम करता हूँ, और काम करते के टाइम पे आप देख सकते हैं टीवी को देखते हुए, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, अमेज़ॉन, सभी आराम से काम करते रहता हूँ। तो किसी को भी बेन सेल्स रिक्रूटिंग का जॉब चाहिए या उसके बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए, डायरेक्टली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भेजता हूँ, व्हाट्सएप से मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक यूएस बेस्ड कंपनी का काम है, जहाँ 6:30 का इवनिंग 6:30 लॉगिन रहता है, मॉर्निंग 3:30 को लॉग आउट रहता है, और हफ्ते में 2-3 बार मीटिंग होता है, मोस्ट प्रोबेबली 2 बार मीटिंग होता है, और मीटिंग कभी कभार 2 घंटा 1 घंटा आधे घंटे में भी ख़त्म हो जाता है। फ़िलहाल कल का मीटिंग बहुत लंबा था, 1.5 घंटा का मीटिंग था, इसीलिए मॉर्निंग 6:00 को सोया था। तो उतना मुश्किल काम नहीं है और उतना दिमाग चलाने का भी काम नहीं है, इफ़ यू नो वेल फाइन इंग्लिश, इंग्लिश अच्छी तरह से बात करने आती है तो आपको ईजिली बेन सेल्स रिक्रूटिंग में जॉब मिल सकता है। और पैकेज बेन सेल्स के अच्छा USIT भी है, और एज ए फ्रेशर आपको 18,000 का सैलरी मिल सकता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आप लोग को पैकेज बहुत बहुत ही खूबसूरत पैकेज है, आपको पैकेज 12 लाख 15 लाख ऐसा पैकेज मिल सकता है आगे फ्यूचर में। तो आप भी किसी को कुछ जॉब चाहिए या अभी कोई बीटेक किया है जॉब करना चाहता है साइमल्टेनियसली पढ़ना चाहता है, तो ये बहुत आई कैन से कन्वीनियंट वे ऑफ वर्किंग रहेगा, आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा, काम भी कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इंसेंटिव भी बहुत अच्छा है, क्लोजर करना पड़ता है। हम एक व्लॉग बनाएंगे काम के बारे में ही, हमारा काम कैसा चलता है, इन डीप काम के बारे में बताएंगे, तब तक लिए वेट करते हैं हमारा का अगला व्लॉग्स कब आएगा इसके बारे में मैं भी कुछ अभी डिसाइड नहीं किए हैं, देखते हैं और वेट करते हैं खुशी का आने के बाद फिर से एक बार आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मैं अपना काम कर लेता हूँ, लगता है खुशी आ गई है और खुशी डोर नॉक कर रही है, खुशी आ जाओ, हाँ देखिए खुशी आ गई है, और खुशी के हाथ में मेरे लिए क्या है, खुशी चाय, चाय कौन सा चाय है, दूध,
वो दूध वाला चाय हमेशा हम लोग ब्लैक टी पीते हैं, तो आज क्यों क्योंकि दूध वाला चाय? आपको अच्छा लगता है। ओ इसे हो गया ऑनलाइन क्लास? हाँ हिंदी मैम का था, हिंदी मैम का था, तो खुशी का रिवीजन। ऑनलाइन क्लास खत्म हो चुका है। रिवीजन था फर्स्ट इंटरनल से क्या? ये 7 S1 कब है? 25th ओ 25th से खुशी का एग्जाम शुरू है। ठीक वो भी है, स्कूल जाना लिखने। ओ माय गॉड, स्कूल जाके लिखना रहेगा 25th से। बाकी एग्जाम था ऑनलाइन मोबाइल से, लगता है ये और फाइनल एग्जाम स्कूल जाना। तो खुशी को भी अभी पढ़ाई करना पड़ेगा, क्लास एक तो क्लासेस भी नहीं है। वर्क भी नहीं है उसका, देखिए क्या कहें। हाँ कैसा था खुशी आज का दिन? अच्छा था। क्या क्या किया आज? भैया से अच्छा से लड़ाई उड़ाई की थी, भैया को अच्छा से नोश दी थी, बिल्ली पैर पे बन गई कटा, थी, हाथ पे, पैर पे हाथ पे पूरा काट दी थी। इसी के लिए मुझसे भिड़ा मत करो, एक बार जोर दे दूंगी ना भी आएंगे। तो आज का दिन ऐसे वैसे हम लोग का भी कट गया है, अच्छे से ही कटा है। आज कुछ था नहीं करने को। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आपको हमारा आज होम टूर कैसा लगा? नहीं होम टूर होम नहीं, टू नहीं, रूम रूम टूर टू। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और दो दिन सब्सक्राइब कर पहले से मैंने दीजिए। कमेंट सेक्शन ब्लॉक किया था, आज कमेंट सेक्शन ऑन कर देता हूँ तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरा रिव्यू मिलने लगेगा आप लोगों से। अगर आप लोगों को मेरा रूम और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बाय बाय। बाय।